हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एचपी लैपटॉप में एसएसडी इंस्टॉलेशन एंड रैम अपग्रेडेशन। ये लैपटॉप का मॉडल नंबर है एचपी पेविलियन 15P001TX। आप देख सकते हैं ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। कोर i5 लैपटॉप है ये, एनवीडिया ग्राफिक्स है इसके अंदर। अभी ये हम लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे एसएसडी एंड रैम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लैपटॉप का बैटरी रिमूव करने का है। आप यहाँ से लॉक प्रेस करके बैटरी रिमूव कर सकते हैं। ये बैटरी रिमूव हो गया है। अभी हम इसके स्क्रूज ओपन करेंगे। स्क्रू नहीं है इसका। अभी हम इसका डीवीडी रिमूव कर रहे हैं। आप इसको डीवीडी रिमूव करना है। यहाँ पर भी आपको स्क्रूज रहेंगे, यहाँ पर भी एंडिंग में, बट इसमें स्क्रूज नहीं है। तो अभी हम इसको डायरेक्ट ओपन करेंगे। आप जब ये ओपन कर लेंगे तो आपको यहाँ से पुश करना है। थोड़ा पुश करके आपको ये रिमूव करना रहेगा कवर्स। इसके नीचे भी आपको स्क्रू आएगा। रिमूव हो चुका है, यहाँ पर भी स्क्रूज है। ये आपको ध्यान रखने का है कि कहाँ कहाँ स्क्रू से, एक बार आपको चेक करना है जब आप लैपटॉप ओपन करने से पहले। अभी हम इसके पूरे स्क्रूज ओपन कर चुके हैं। अभी हम लैपटॉप को ओपन करने वाले, तो आपको आहिस्ता से ये लैपटॉप को ओपन करना है। तो मैं स्लोली स्लोली इसको ओपन करूँगा इतने से। उसके बाद में आपको एक बेसिकली ये ओपनर आएगा जो आपको नॉर्मल मिल जाएगा नियर बाई शॉप पर, वहाँ से आप लेके इसको ओपन कर सकते हैं। अभी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर इसका ओपन का है ब्लैक एंड ग्रे कलर में। अभी हम बॉर्डर से इसको ओपन करेंगे। नॉर्मली प्रेस करना है आपको। स्लोली स्लोली आप इसको जो है सो ओपन कर सकते हैं। एंडिंग तक आगे बस है। आप रिटर्न इसको, यहाँ पर से भी सेम प्रोसेस है इसका। नॉर्मली आपके लॉकिंग ओपन हो रहे हैं ये। आपको यहाँ पर भी सेम प्रोसेस रहेगा, नॉर्मल इजीली ओपन करना रहेगा। उसके बाद जो है हम इसको इधर से ओपन करेंगे इजीली। लॉकिंग सिस्टम है इसका। आपको पुश करते हुए इसको ओपन करना है। जब आप आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके कनेक्टर्स लगे हुए हैं। ये टच पैड का है ये, और ये कीबोर्ड का है। तो हम अभी इसको रिमूव करेंगे इजीली। ये रिमूव हो चुका है कीबोर्ड का, और ये रहा टच पैड का, ये भी रिमूव हो गया है। हम इसके लॉक वापस लगा देंगे। अब हम इसको रिमूव करेंगे। फिर यहाँ पर आपको और एक स्विच है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑन ऑफ बटन का स्विच रहेगा। ये भी आपको रिमूव करना है। उसके बाद आप निकाल सकते हैं। अभी हम इसमें इंस्टॉल करेंगे ये यहाँ पर SSD। अभी हम इसको रिमूव करेंगे। ये रहा हार्ड ड्राइव का कनेक्टर। आपको ये इसको भी रिमूव करना है। ये आपको लॉक ओपन करें, इसमें से आपको लॉक निकल गया। मैं वापस से इसको लॉक लगा दूंगा। अभी हम इसको ओपन करेंगे कनेक्टर इसका। यहाँ से इसका कनेक्टर निकालेंगे बेसिकली। ये कनेक्टर निकल चुका है। जब भी आप हार्ड डिस्क निकाल रहे हैं या फिक्सिंग कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखने का, जैसा निकाल रहे हैं रबर्स वैसे ही कंडीशन में फिक्स करने का है। ये रहा SSD जिसमें हम इंस्टॉल करेंगे। 256 GB SSD, साटा SSD इसमें इंस्टॉल होगा। ओपन करते हैं। अभी आप चेक कर लेने का है कि ये और ये सीरीज सेम रहना। आप इसमें से इसको लॉक निकाल के आप नॉर्मली इसमें लगा सकते हैं, तो आपको फिक्सिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी हम इसका अभी सेम करेंगे इसको। ये फिक्स हो चुका है। ये पुराना हार्ड ड्राइव भी हम DVD में
केसिंग में डाल के इसको फिक्स करेंगे, वो आपको मैं एंडिंग में बताऊंगा। फिर सेम कंडीशन में आप लगाना है इसको। वैसे ही आप जो इसमें जो डस्ट है, आप नॉर्मली बेसिकली ब्रश लेके भी आप नॉर्मली क्लीन कर सकते हैं। हैवी में इसका डस्ट भी थोड़ा क्लीन कर देंगे, बेसिकली डस्ट रहता है लैपटॉप्स में थोड़ा। अभी हम इसको यहाँ पर भी थोड़ा डस्ट को क्लीन कर देंगे। थोड़ा ब्रश कर लेना कभी भी आप जब लैपटॉप ओपन कर रहे हैं घर बैठे। बेसिकली नॉर्मली आपको क्लीन करने का हैवी क्लीन नहीं करना है आपको। मेरे पास वैक्यूम रहेगा जो हम इसमें डस्ट क्लीन करते हैं, डस्ट रिमूवल। अभी मैं वैक्यूम भी करूँगा इसमें। डस्ट क्लीन हो चुका है इसके अंदर। अभी हम इसको रिमूव करेंगे मदरबोर्ड के, वो तो मदरबोर्ड के नीचे इसके रैम का सेक्शन है। अभी हम इसका डीवीडी का कनेक्टर रिमूव करेंगे। उसके बाद हम इसका वाईफाई में यहाँ पर केबल रहेगा, इसका केबल रिमूव करेंगे फर्स्ट। उसके बाद इस यहाँ पर स्क्रू रहेगा, ये स्क्रू निकालेंगे। इसके बाद में आपको ये वाईफाई कार्ड बाहर निकलेगा। सेकेंड इसके बाद आपको ये स्पीकर्स निकालना है, इसके स्पीकर्स निकाल दिए। उसके बाद में ये डिस्प्ले केबल रहेगा, ये डिस्प्ले केबल भी निकाल देना है आपको, पूरा डिस्कनेक्ट कर देने का है। ये आपको डीसी जैक रहेगा, यहाँ से लॉक से निकालना है इसको। फिर उसके बाद आपको चेक करने का है कि मदरबोर्ड में कहीं स्क्रू है क्या। यहाँ पर एक स्क्रू है इसमें, ये मदरबोर्ड का, हम इसको ओपन करेंगे। उसके बाद और किधर है इसका स्क्रू, यहाँ पर एक है। ये दो इसको रिमूव कर दिए हैं। अभी हम इसको मदरबोर्ड निकालेंगे थोड़ा पुश करते हुए। ये मदरबोर्ड आ चुका है। अभी हम इसमें इंस्टॉल करेंगे रैम। आप जब भी रैम इंस्टॉल कर रहे हैं, ये रैम के सेक्शन में थोड़ा डस्ट रहेगा, आप उसको क्लीन कर लेना बेसिकली ब्रश से। अभी हम इसको रैम डालेंगे। सैमसंग का रैम है ये, 8 GB देख सकते हैं। रैम लग गया है, प्रेस करना है नीचे इसको। ये लॉक लॉक हो गया है रैम। अभी हम इसको सेम प्रोसीजर में बोर्ड फिट कर देंगे वापस। सेम करने आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड के नीचे कोई केबल नहीं आना। इसमें आपका वापस ये डीसी जैक लगा दीजिए आप। यहाँ पर डिस्का डीसी जैक था, हम इसको डीसी जैक को रिटर्न फिक्स कर देंगे। इसका साउंड का है ये, साउंड का केबल वो भी लगा देंगे। इसके बाद रहा ये डिस्प्ले केबल, ये भी हम फिक्स कर दिए हैं। इसके बाद रहा वाईफाई, वाईफाई का है ये, वाईफाई भी लगा दिए। यहाँ पर स्क्रू वापस फिक्स कर दिए। सेकंड इसके बाद मदरबोर्ड के स्क्रूज, यहाँ पे आपको वाईफाई का बटन वापस लगा देने का है, मैं वो भी लगा दूंगा इधर देख सकते हैं। वाईफाई का लगा दिया है बटन मैंने। उसके बाद आपको ये डीवीडी का लगाना है रिटर्न।
ये लग गया है अभी लॉकिंग फिक्स। इसके बाद आपको रहेगा SSD लगाना इसमें। वापस से हम अपना SSD लेंगे, इसमें SSD इंस्टॉल कर दिए, फिक्स कर देंगे इसमें अभी SSD लॉकिंग हो गया है। इसके बाद आपको ये USB का केबल लगाना है बेसिकली, एंड ये आपको हार्ड ड्राइव का केबल है, हार्ड ड्राइव के केबल को हम लगाएंगे। ये लग गया है, ये लॉकिंग ये लॉक हो चुका है। उसके बाद हम इसका टच पैड, अभी हम इसमें फिक्स करेंगे इसका टच पैड। रिटर्न जो निकाले हैं आप जब फिक्स करेंगे, जब चेक करना पड़ेगा कि ऑन ऑफ बटन लगाना है आपको, टच पैड का केबल लगाना है आपको, एंड ये कीबोर्ड का स्ट्रिप है, ये पूरा आपको चेक करके लगाना है। तो हम इस पर भी जो है सो थोड़ा ब्रश कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे, डस्ट अगर रहा तो थोड़ा बहुत भी। ये हो चुका है क्लीन। अभी हम सबसे पहले इसमें लगाएंगे यहाँ पे ऑन ऑफ बटन, यहाँ से आप देख सकते हैं मैं इसको लगा रहा हूँ। थोड़ा ये डिफ़िकल्ट रहेगा तो आपको फिर भी ट्राई करना है। आप ये लगा के यहाँ पे लॉक करना है, इसके बाद में आपको यहाँ पर इसके साथ नॉर्मली साथ रखते हुए आपको जो है सो यहाँ पे केबल्स लगाना है। यहाँ पे आप लॉक्स ओपन कर लीजिए, यहाँ पे आपको नॉर्मली बेसिकली लगेगा ये, मैं लॉक कर दिया इसको, केबल लग चुका है इधर। अभी आपको यहाँ पर ये कीबोर्ड का है, ये मैं इसका भी लॉक ओपन कर रहा हूँ, ये भी आपको यहाँ पर लग गया है, देख सकते हैं आप ये कीबोर्ड का पूरा फिक्स हो चुका है। अभी मैं इसको लॉक कर रहा हूँ, ये लॉक हो चुका है, अभी हम इसको फिक्स करें। तो अभी हम इसको टच पैड को साफ फिक्स करके रख दिए हैं। तो अभी आपको फिक्स नहीं करना है लैपटॉप, पहले आपको जो है सो इसका डिस्प्ले चेक कर लेना है कि एक बार प्रॉपर कनेक्शन आया है नहीं आया है। तो अभी हम डायरेक्ट चार्जर लगाएंगे, चार्जर लगा के आप देख सकते हैं अभी मैं लैपटॉप ऑन कर रहा हूँ, लैपटॉप ऑन हो गया है। अभी मैं बायोस में जाऊँगा, इसका बायोस का है कि F10 करके है, HP लैपटॉप का ये, तो मैं F10 प्रेस करूँगा। आप देख सकते हैं इधर यहाँ पर रैम अपग्रेड हो चुका है आपको, और SSD भी इसमें आ चुका है 256 GB का। अभी हम लैपटॉप को फिक्स करेंगे, वापस ऑफ कर दूंगा इसको। अभी हम लैपटॉप को फिक्स करेंगे, इसमें आपको ये लॉकिंग करने का है, अभी नॉर्मली आप प्रेस कर सकते हैं नॉर्मल। ये आपका लैपटॉप लॉक हो चुका है पूरा। अभी हम इसमें कैडी लगाने वाले हैं, ये रहा इसका कैडी। इसमें हार्ड ड्राइव फिक्स करेंगे, पुराना वाला हार्ड ड्राइव है लैपटॉप का, वो फिक्स करके इसमें कैडी में जो सो लगा के DVD केसिंग में लगा देंगे। ये हम ओपन करते हैं कैडी, ये रहा कैडी पूरा। आपको इसका स्क्रूज रहेंगे, स्क्रू ड्राइवर रहेगा साथ में, ये कैडी है, देख सकते हैं आप कैडी को। ये रहा हार्ड ड्राइव, हम इसको इसमें फिक्स करेंगे, यहाँ पर रख के आपको प्रेस करना है, लॉक हो गया है ये। अभी हम इसके स्क्रूज लगाएंगे, हम कैडी फिक्स कर दिए हैं इसमें केसिंग में पूरा है। अभी इसका ओल्ड DVD ड्राइव में आपको इसका ये रहेगा कनेक्टर, ये कनेक्टर भी निकालना रहेगा आपको। ये कनेक्टर आपको वापस से ये DVD केसिंग में लगाना है। अभी हम इसमें लगा देंगे,
ये सेकेंड स्क्रू भी लगा दिए हैं, अभी हम इसे लैपटॉप में फिक्स कर देंगे। ये फिक्स हो चुका है। सेकेंड इसका बैटरी रहेगा, ये बैटरी को थोड़ा डस्ट कर रहा था क्लीन करके, बैटरी भी यहाँ पर फिक्स कर देंगे। ये हमारा लैपटॉप रेडी हो चुका है SSD इंस्टॉलेशन के साथ, आप देख सकते हैं। सैमसंग भाई इसमें लेंगे, इसमें आप भाई इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर आपको आ गया है 12 GB रैम, और ये आपको एक हार्ड ड्राइव का रहेगा इसमें कॉन्फिगर। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।